चलिए लेके आ गए हैं आपके लिए बहुत बढ़िया वीडियो, जिसमें आपको दिखाएंगे 250 GB का ये WD का जो हार्ड ड्राइव है उसमें पावर नहीं आ रहा है, क्या इश्यू है, क्यों नहीं आ रहा है, उसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ये वीडियो होने वाला है दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले जो टेक्निकल्स वीडियो आते हैं, इंफॉर्मेशन वीडियो आते हैं, मिल जाए। और ये सब वीडियो हम जो बना रहे हैं ओनली टेक्निकल पर्सन के लिए है, नॉन टेक्निकल पर्सन इसे देख सकते हैं लेकिन करने की कोशिश ना करें प्लीज़। तो सबसे पहले मैंने इसको SMPS से पावर दे दिया हार्ड डिस्क को, और मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करने वाला हूँ। सबसे पहले हमारा जो SATA पावर है वहाँ पे वोल्टेज आने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा मल्टीमीटर में रीडिंग देखिए 3.3 आ रहा है। उसके पास में ग्राउंड पिन है, उसके पास में फर्स्ट वाली पिन जो हमारी 12 वोल्ट की है, और ये 5 वोल्ट वाली है। और यहाँ पे पावर इनपुट हो चुका है, लेकिन जो PCB पे जो वोल्टेज बनने चाहिए वो बन रहा है कि नहीं वो हम चेक करते हैं। तो PCB पे कुछ टेस्ट पॉइंट दिए गए हैं, वहाँ पे आपको वोल्टेज मेज़र करना है। यहाँ पे देखिए ये मुझे वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं, 0-0 वोल्टेज मिल रहे हैं सब जगह पे। मुझे 5 वोल्ट के आसपास या 12 वोल्ट या 3.3 वोल्ट मिलने चाहिए थे। मोटर के पॉइंट पे भी हमें 3.3 वोल्ट मिलने चाहिए, हार्ड डिस्क का जो कनेक्शन अंदर जा रहा है वहाँ पे भी 3.3 नहीं मिल रहा है, 3 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए था, कोई भी वोल्टेज नहीं दिख रहा है। तो SMPS का जो सॉकेट है वहाँ पे से तो सप्लाई जा रहा है, आप देख सकते हैं, फिर भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आ रहा है? हार्ड डिस्क की PCB को खोलेंगे और चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बनिए रहिए वीडियो में, देखते रहिए, स्किप मत कीजिए। यहाँ पे PCB को ओपन करने जा रहे हैं और देखते हैं क्या इश्यू है। PCB के सब स्क्रू हमने ओपन कर लिए है, अब इसे चेक करते हैं कि क्या इश्यू है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और वीडियो बनाने का हमें चलिए चेक करते हैं क्या कोई कंपोनेंट शॉर्ट है या नहीं। मल्टीमीटर को मैंने डायोड मोड को सेट कर लिया है, आप देख सकते हैं मैं कंपोनेंट को वन साइड से चेक कर रहा हूँ, जैसे इसमें सिरामिक कैपेसिटर्स है, डायोड्स है, ICs है। हम सिरामिक कैपेसिटर्स को चेक करेंगे, ज़्यादातर वही ख़राब होते हैं। तो अभी ये सब जो कैपेसिटर्स मुझे नज़र आ रहे हैं मैं चेक कर रहा हूँ, जहाँ मुझे कुछ कंपोनेंट में वैल्यू मिल रही है, कुछ में कम मिल रही है, कुछ में ज़्यादा मिल रही है, लेकिन हमें ऐसा चेक करना है कि कौन सा फॉल्टी है। तो अभी यहाँ पर क्या होता है आप देखते रहिए, देखते हैं। अभी हम वन साइड से चेक कर रहे हैं, अगर वन साइड से कोई फॉल्ट हमें नहीं मिलेगा तो हमें मल्टीमीटर के दोनों प्रॉब यानी कि प्लस और माइनस दोनों को एक साथ चेक करना होगा। दोनों को साथ करने से 100% आइडिया हमको आ जाएगा। वन साइड से कोई इश्यू नहीं मिला है, तो अभी टू साइड से चेक करेंगे, अभी देखते हैं। देखिए यहाँ पर वैल्यू दिखा रहा है, दोनों साइड से चेक करने से यहाँ पर भी वैल्यू दिखा रहा है, यहाँ पर भी वैल्यू दिखा रहा है। अब देखते रहिए, हम सब डायोड भी चेक कर रहे हैं, आखिर क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस कंपोनेंट में क्या इश्यू है, ये चेक कर रहे हैं। मल्टीमीटर का रीडिंग आप देखते रहिए, ताकि आपको भी आइडिया आए। यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट है जहाँ पे हमें वैल्यू नहीं मिल रही है, ये देखिए दोस्तों, ये शायद हमें ख़राब हो गया ऐसा लग रहा है, या शॉर्ट हो चुका है, या ओपन हो चुका है, या लीकेज हो सकता है। अभी हमें इससे PCB से बाहर निकालना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा क्या ये वाकई ख़राब है या कोई और इश्यू है।
110% नहीं बोल सकते कि यही ख़राब है, तो इसको रिमूव कर लेते हैं हम। इसको हमने पीसीबी से आउट कर दिया है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये ख़राब है, या इसकी जो लोकेशन, इसका जो लोकेशन सिंबल्स है प्लस माइनस है वहाँ पे भी शॉर्टिंग है क्या, इसके साथ साथ कोई और कंपोनेंट भी ख़राब है। अगर कोई और कंपोनेंट भी ख़राब होगा तो इसकी लोकेशन पे हमें वैल्यू सही नहीं मिलना चाहिए। देखते हैं, इसकी लोकेशन पर तो हमें इस साइड नहीं मिला है, पॉप चेंज करते हैं, इस साइड पे देखते हैं। ये देखिए सही वैल्यू मिल चुका है, यानी यही हमारा कंपोनेंट जो है कैपेसिटर वो ख़राब हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है। तो प्रॉब्लम हमारा 99% हमें मिल चुका है, लेकिन पहले इसको हम चेंज करेंगे। ये आप देख सकते हैं छोटा सा है, इसको हम चेंज करेंगे। इसके लिए हमें दूसरा स्क्रैप होना चाहिए हमारे पास, सेम हार्ड ड्राइव जिसमें से हमें इसको चेंज करना होगा। तो अभी मैं दूसरे हार्ड ड्राइव को लेता हूँ यहाँ पर, और उसका पीसीबी निकाल के उसमें से ये कंपोनेंट चेंज करके आपको दिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। ये थोड़ा बहुत मेरा 70-80% सेम पीसीबी जैसा लग रहा है मुझे, जिसको मुझे रिमूव करके चेक करना होगा क्या इसमें कोई ऐसा सेम कंपोनेंट है जो मेरी मदद कर सकता है। ओके, तो इस हार्ड डिस्क का पीसीबी मैं बाहर निकाल रहा हूँ और हम चेक करेंगे। यहाँ पे सेम पीसीबी है जिसमें से हम ये कंपोनेंट चेंज करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा हार्ड डिस्क रिपेयर हुआ या नहीं, वर्क कर रहा है नहीं। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है क्लाइंट का, इसको रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इसमें ये सब कोशिश कर रहे हैं कि ये वर्किंग कंडीशन में आ जाए। पुराने वाले पीसीबी से हमने उस कंपोनेंट को निकाल लिया है, और हमारे जो अभी पीसीबी हमें रिपेयर करना है उसमें हम इसे फिक्स कर रहे हैं। फ्लक्स लगा के आप अच्छे से फिक्स कीजिए ताकि कोई दिक्कत ना आए। इसे हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब इसको आप देख सकते हैं, छोटा सा जो हमारा सिरेमिक कैपेसिटर था उसको हमने चेंज कर दिया है। अब पीसीबी को थोड़ा क्लीन कर लेंगे और फिर इसके जो पॉइंट्स हैं उसको भी क्लियर करना पड़ेगा। पहले इसको क्लीन कर लेते हैं और जो कनेक्शन पॉइंट्स हैं उसको भी क्लीन करना पड़ेगा। यहाँ पे हार्ड डिस्क को भी आपको क्लीन करना पड़ेगा।
कोई मॉइस्चर या डस्टिंग नहीं होना चाहिए ताकि आपका हार्ड डिस्क परफेक्ट वर्क करे। अगर मॉइस्चर या डस्टिंग का इश्यू होगा तो फिर से प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पे जो HDD का कनेक्टर है, कनेक्शन सॉकेट है, उसको क्लीन कर लीजिए। उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें कोई मॉइस्चर होगा तो भी आपको कनेक्शन में इश्यू आ सकता है। फिर से हम यहाँ पर 60 पावर केबल कनेक्ट कर रहे हैं और आपको वोल्टेज मेज़र करवाएंगे। जो वोल्टेज पहले नहीं बन रहे थे, क्या अभी वो वोल्टेज प्रेजेंट हुए हैं? इससे हमारा थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा कि हमारा हार्ड डिस्क वर्किंग में आया है नहीं। उसके बाद हम इसको PC में लगा के भी चेक करेंगे। यहाँ पे जो SMPS SATA पावर सॉकेट है, वहाँ पे जो वोल्टेज है वो प्रेजेंट है। और ये मोटर पे भी सप्लाई बन चुका है 3.8 वोल्ट के आसपास, आप देख सकते हो। और दूसरे जो टेस्ट पॉइंट है वहाँ पे भी हम चेक करते हैं। ये देखिए 11.78 वोल्टेज समथिंग बन रहा है, और 5.9 या 3 वोल्ट ये सब भी बन रहा है। यानी हमारा हार्ड डिस्क 99% ठीक हो चुका है। लेकिन आपको हम इसे PC में भी लगा के दिखाएंगे। आप वीडियो में बने रहिए और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इसको PC में फिक्स करके देखते हैं। WD का 250 GB का ये हार्ड डिस्क है। ये देख लीजिए आप। फिक्स करने से पहले आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। WD का ये 250 GB का हार्ड डिस्क है जो हमारा वर्क नहीं कर रहा था। अब PC में फिक्स करके इसको चेक करते हैं दोस्तों। हार्ड डिस्क को हमने स्क्रू लगा के फिक्स कर दिया है। यहाँ पे SATA केबल लगा दिया है, SATA पावर केबल भी लगा दिया है। PC को पावर देते हैं। यहाँ पे PC को पावर केबल से पावर दे दिया है, VGA केबल लगा दिया है और स्विच ऑन करके चेक करेंगे। तो स्विच हमने यहाँ पे ऑन कर दिया है। ये देखिए PC हमारा ऑन हो चुका है। अब देखते हैं हार्ड डिस्क डिटेक्ट हुआ है नहीं, हमारा इश्यू सॉल्व हुआ है या नहीं। आपको अच्छे से दिखाएंगे अंदर हार्ड डिस्क आया है या नहीं। यस, यहाँ पे हार्ड डिस्क डिटेक्ट हो चुका है। ओके, चलिए BIOS में जाके आपको दिखा देते हैं क्या ये 250 GB का WD का ही हार्ड डिस्क है। हम BIOS में जा चुके हैं और यहाँ पे आप देखिए
डिक्स में जाके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, WD का 250 GB का हार्ड डिक्स हमारा डिटेक्ट हो चुका है, हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।